सरकार कहती है, ये मैं नहीं मानता, सरकार के ड्राफ्ट में कैसे कहा गया, फुल सेट ऑफ एज अगेंस्ट सेट ऑफ विथ रिटेंशन रेंजिंग फ्रॉम 4.5% टू 5.5%, शिफ्ट फ्रॉम ऑडिट असेसमेंट टू सेल्फ असेसमेंट। इसका इतना बड़ा झूठ है ये सेंटेंस। सरकार कह रही है कि सेल्फ असेसमेंट का पूरा है, तो आपने अधिकारियों को क्यों बिठा दिया हमारे ऊपर? अगर सेल्फ असेसमेंट ही है, हमने जो कह दिया वो आप मान लो, फिर अधिकारी क्यों उसको क्रॉस चेक करें, क्यों उसको वेरीफाई करें, क्यों क्रॉस वेरीफाई करें? इसका माने ये है कि झूठ बोल के आपको फंसाना। यूरोप में जहां भी सेल्फ असेसमेंट में है वैट, वहां अधिकारी कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। आपने डिक्लेयर किया इतना टैक्स बनता है, बात खत्म हो गई, उसके बाद कोई आपसे कॉमा फुल स्टॉप में बात नहीं करेगा। इवन ये गल्फ कंट्रीज है ना, छोटे छोटे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान, इन देशों में भी व्यापारी जो कह दिया बात खत्म हो गई। कोई अधिकारी आपसे नहीं आके पूछेगा आपने सही कहा या झूठ कहा। माना वहां यह जाता है कि व्यापारी जो कह रहा है वो सच ही है, क्योंकि वो देश का नागरिक है। हमारे यहां इसका ठीक उल्टा है। हमारे यहां ये माना जाता है कि व्यापारी सब झूठ है, चोर है, बेईमान है, डकैत है, इसलिए अधिकारी को उसके ऊपर बिठा दिया जो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, जो महाहराम को है। ये जो अधिकारी वर्ग को सरकार ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बताती है, वो अधिकारी वर्ग की असलियत अभी आपने देखी होगी। थोड़े दिन पहले हमने टीवी चैनल पर एक सीरियल देखा, घूस महल, उसका नाम है घूस महल, और वो दिखाया आज तक टीवी चैनल। उसमें एक बात उन्होंने बताई कि दिल्ली का सेल्स टैक्स कमिश्नर डिपार्टमेंट में कैसे घूस ली जाती है और दी जाती है, वो मैंने देखा। दिल्ली का सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट महाराज जी, जिसका नाम अभी वेट डिपार्टमेंट हो गया है, उसका ऑफिस जहां पर है उसके ठीक ऊपर विजिलेंस कमिश्नर का ऑफिस। विजिलेंस कमिश्नर का काम है घूसखोरों को पकड़ना, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना। उसके नीचे सेल्स टैक्स कमिश्नर का ऑफिस है जहां भयंकर घूसखोरी चलती है। और मैंने मेरी आंखों से देखा 83 अधिकारी, 83 ऑफिसर्स को हाथ से पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए, घूस लेते हुए, और अपने खीसे में रखते हुए, लिया खीसे में रखा, लिया खीसे में रखा। और उसने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया, सवेरे वो अधिकारी आते हैं 9 बजे ऑफिस में, सबका खीसा खाली होता है, कुछ नहीं होता खीसे, हाँ पॉकेट भी नहीं होता, खाली खीसा होता है, और थोड़ा कुछ 2-5 रुपया हो तो काउंटर पर रख देते, जाते हुए ले लेते। अंदर ऑफिस में घुसते हैं तो खीसा खाली होता है सब, फिर दिन भर घूसखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं, पैसा बनाते हैं, और इस चीज के लिए घूस लेते हैं। आप सी फॉर्म मांगने गए, 500 रुपए घूस दो तभी सी फॉर्म मिलेगा, 1000 रुपए दे दो तभी मिलेगा, 2000 रुपए दे दो तभी मिलेगा। फॉर्म तो फोकट में मिलना चाहिए, लेकिन आपसे पैसा लेके लेना, और उसमें फिर बंटवारा ऊपर से नीचे। आपकी कोई फाइल है इस मेज पर है, यहां से आगे लेके जानी है 5000 रुपए, आगे से और आगे ले जानी है 10000 रुपए, वहां से कमिश्नर के पास जानी है 30000 रुपए, सभी रेट फिक्स। वो 83 अधिकारी दिन भर घूसखोरी करते, शाम को वो इकट्ठे होते हैं 5 बजे और सारा खीसे का पैसा निकाल के काउंट करते कितना इकट्ठा हुआ, फिर उसको कमिश्नर से लेकर और नीचे कारकुन तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। भारत में सबसे ईमानदारी से अगर कुछ होता है तो भ्रष्टाचार होता है। पूरी ईमानदारी से, ईमानदारी क्या है, जिसने जितना घूस लिया अपना निकाल के रखा, फिर उसको काउंट किया, फिर अधिकारी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। ये हमने हमारी आंखों से देखा है, और ये भारत की राजधानी के सेल्स टैक्स कमिश्नर के ऑफिस में हो सकता है, तो छोटे छोटे गांव में क्या होता होगा सोचो। ऐसे घूसखोर हरामखोर व्यापारियों को सरकार बिठाती है ये कहकर कि ये कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर लगाम अंकुश नहीं है, अंकुश उनके ऊपर है, व्यापारियों के। ये जो सरकार कह रही है ऑडिट असेसमेंट से सेल्फ असेसमेंट पे जाने वाला सिस्टम है, ये सबसे बड़ा ब्लफ है, और इसी में फंसाया है हम सबको सरकार। बहुत सारे व्यापारी जो वैट को समर्थन कर रहे हैं वो मुझको एक ही तर्क देते हैं, सेल्फ असेसमेंट हो गया। मैंने कहा तुम्हारी की क्या अधिकार आया जरा ये बताओ, सेल्फ असेसमेंट किए हुए को भी इनकम सॉरी वैट कमिश्नर रिजेक्ट कर सकता है, अपने नए तरीके से उसकी जांच करा सकता है, तुम्हारे सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या?
फिर उसके बाद एबोल्यूशन ऑफ टर्नओवर टैक्स, सरचार्ज एंड परचेज टैक्स, ये स्टेट लेवल पे ये तीन, टर्नओवर टैक्स, सरचार्ज एंड परचेज टैक्स, ये खत्म किया है। और महाराष्ट्र में मर्जर ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स एक्ट, राइट टू यूज एक्ट विद वैट के साथ मर्ज कर दिया है। इतना हुआ है। जो मेजर है, मैंने आपसे कहा सीएसटी खत्म नहीं हुआ, सर्विस टैक्स खत्म नहीं किया, प्रोफेशनल टैक्स खत्म नहीं किया, रोड टैक्स खत्म नहीं किया, टोल टैक्स खत्म नहीं किया, ऑक्ट्रॉय तक खत्म नहीं किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया, फालतू कम किया। नेक्स्ट। हाँ, अब ये वैट के बेनिफिट सरकार बता रही है, क्या क्या सुविधाएं होने वाली है, क्या क्या आपको लाभ होने वाला है। उसमें एक लाभ वो बताते हैं, आपको जो है ना रिफंड मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा, एक लाभ। दूसरा वो बताते हैं कि ये जो स्टेट लेवल पे टर्नओवर टैक्स, सरचार्ज आदि आदि थे, ये हट जाएगा। फिर कहते हैं ओवरऑल टैक्स बर्डन रैशनलाइज होगा, तार्किक होगा, प्राइस विल जनरल फॉल, सरकार कह रही है। मैं एक महीने का स्टडी किया है, अभी एक महीना माने जब से वैट आया, लगभग एक महीने बाद किस किस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र दो ही राज्य का अभी मैं किया है, कम से कम 15% और अधिक से अधिक 35% कीमतें बढ़ी जो भी वस्तु पर वैट आया। तो सरकार का ये इतना बड़ा झूठ है कि कीमतें कम होगी, कोई कीमत कम नहीं हुई, सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ी। और कुछ वस्तुओं की कीमतें तो इतनी बढ़ी है कि कोई सोच नहीं सकता, जैसे किसान के काम आने वाली बहुत सारी चीजें जिन पर जिंदगी में कभी टैक्स नहीं था, उस पर वैट आ गया। अभी किसान बौखलाए हुए हैं कि इतना कीमत कैसे बढ़ गया महीने भर में, वो ऐसे कि उस पर वैट आ गया। जैसे किसान के काम आता है थ्रेशर होता है जिससे अनाज निकालते, थ्रेशर के एक एक अंग पे वैट लगा दिया, उसका नट बोल्ट पंखा वंखा सब पे वैट लगा दिया, उसकी कीमत बढ़ गई 35% कीमत बढ़ गई। सब किसान बौखलाते, मुझे पूछते हैं ये कीमत इतनी बड़ी कैसे, वैट आया। जिंदगी में किसान की छोटी छोटी चीजें, फावड़ा होगा ना फावड़ा, उस पे वैट लगा दिया, खुरपी उस पे वैट लगा दिया, कुदाली उस पे वैट लगा दिया। तो जो जिंदगी में किसान कभी किसी वस्तु पे टैक्स नहीं भरा, वो भी वैट में डाल दिया। तो कीमतें बढ़ गई हैं, कम नहीं हो रही, और ये झूठ सरकार लगातार बोल रही है। और ये तो सबसे बड़ा झूठ है, ट्रांसपेरेंसी विल इंक्रीज, अभी मैं बताऊंगा आपको, और देयर विल बी हायर रेवेन्यू ग्रोथ, माने सरकार को टैक्स कलेक्शन मिलेगा, यही सबसे बड़ा सच है। सरकार को जास्ती से जास्ती टैक्स मिलेगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी, यही सच है, बाकी ये सब झूठ। अभी दिखाता हूं कैसे झूठ है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वैट इन इंडिया, कैसा स्ट्रक्चर है। अभी हमारे यहां जो वैट आ रहा है वो सैंड वैट नहीं आ रहा, ध्यान रखना इस बात का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा दुनिया के सब देशों में सैंड वैट है, चाइना में सैंड वैट है, श्रीलंका में सैंड वैट है, मलेशिया में सैंड वैट है, इंडोनेशिया में सैंड वैट है, फिलीपींस में सैंड वैट है, ब्राजील में सैंड वैट है, मैक्सिको में सैंड वैट है, जर्मनी में सैंड वैट है, सब जगह सैंड वैट है, भारत में सैंड वैट नहीं है, स्टेट वैट है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट वैट है। और इस स्ट्रक्चर में मैंने आपसे कहा 14 और टैक्सेस हैं, प्लस कस्टम ड्यूटी है, प्लस इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में, और उसका ऑब्लिक कॉर्पोरेट टैक्स, इतने सब के साथ वैट है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और सरकार, नेक्स्ट, हाँ ये मैं आपको बता दिया है इसलिए अब इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैंने बताया एक शेड्यूल ए है जिसमें टैक्स फ्री गुड्स हैं सबके साथ, शेड्यूल बी है जिसमें 1% टैक्स वाले हैं, शेड्यूल सी है 4% टैक्स है, शेड्यूल डी है 20% है, ये शेड्यूल ई है जिसमें 34% तक वैट है, मोटर स्पिरिट्स जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा। एक शेड्यूल एफ है जिसमें अदर गुड्स हैं जो इनमें से किसी में नहीं है, और अगले साल से एक नया शेड्यूल आने वाला है जिसमें 2000 और वस्तुएं हैं, फिर एक नया शेड्यूल आएगा 8000 और वस्तुएं हैं, टोटल 10,500 वस्तुओं पर वैट होगा 2007 में, ये सरकार का अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट, रेट है जो मैं आपको पहले ही बता दिया, 1% है, 4% है, 12.5% है, उसके बाद 20%, 34%, सीएसटी